हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योति की वेज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेबी कॉर्न की सब्जी, जिसके लिए मैंने एक पैकेट बेबी कॉर्न लिया है जिसे अच्छे से धो लिया था। अब इसके ऊपर के सिरे को थोड़ा थोड़ा काट लेंगे इस तरीके से। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काट लेना है। आप चाहे तो छोटे या बड़े टुकड़े कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच के बराबर टुकड़े कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे टुकड़े कर लिए हैं। अभी कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें सारे बेबी कॉर्न को डाल देंगे। सारे बेबी कॉर्न को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से फ्राई किया है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने लगा है। इस तरीके का कलर हमें यहाँ पर चाहिए इसका। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं उसी कढ़ाई का यूज़ करूँगी और 1 चम्मच तेल और डालूँगी। 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग डालेंगे। इन सब के चटकने पर हम इसमें 3 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को डालकर हम 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इन सबको 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम गैस का आँच कम रखेंगे क्योंकि हमने सूखे मसाले डाले हैं और पानी का यूज़ नहीं किया है। 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 कटोरी यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है। टमाटर का पेस्ट मैंने घर में तैयार किया था। 4 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने उबाल लिया था और उसके छिलके निकाल कर इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया था उसमें। इसे भी अच्छे से हम मसाले को पका लेंगे। कच्चे टमाटर का आप यूज़ बिल्कुल ना करें। अब हम इसमें डालेंगे अपने बेबी कॉर्न को और इन सबको अच्छे से भून लेंगे हम मसालों में, ताकि मसाले और बेबी कॉर्न अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक इसे कम आंच पर पकने देंगे। 15 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हम इसमें पानी नहीं डाला है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है मैंने और इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर ढक्कन लगा देंगे और 20 मिनट के लिए कम आंच पर हम इसे पकने देंगे। ये देखिए, 20 मिनट बाद हम सब्जी को फिर चला लेंगे। इसका कलर बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर अब हम डालेंगे 2 चम्मच काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट मैंने घर में बनाया था। यहाँ पर 10 काजू को मैंने पानी में भिगो कर रखा था और मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। 5 मिनट बाद देखिए, हमारी सब्जी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।